पति और पत्नी आपस में जब उनकी कलह चल रही होती है, जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स चल रहे होते हैं, जब लिटिगेशन पेंडिंग होती है, तो वो आपस में एक दूसरे का ही ध्यान रखते हैं कि कैसे दूसरे पक्ष को ज्यादा मजा चखाएं, कैसे उसको परेशान करें, वो भूल। बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि लगभग सभी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की एक ही पीड़ा रहती है कि जो एफआईआर लड़कियां दर्ज करती हैं उसमें कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं होते। वो अपना प्रतिशोध की भावना से, बदले की भावना से, ईगो के चक्कर में, अनावश्यक गुस्से की वजह से या किसी और अपनी अनचाही इच्छा को पूरा करने की वजह से वो सिर्फ पति को ही नहीं बल्कि परिवार के सभी सदस्यों को घसीटने की कोशिश ही नहीं करती बल्कि घसीटती है, क्योंकि उसका मकसद होता है किसी तरह से पति पक्ष को परेशान करना। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बहुत सारे हाई कोर्ट्स के द्वारा इतनी प्यारी प्यारी जजमेंट्स आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चीजें सुधरने में नहीं आ रही हैं। हालांकि पहले से काफी ठीक हो चुका है। ठीक इसी तरह का एक केस पहुंचता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में और 1 जुलाई 2024 को इसमें बहुत ही प्यारी जजमेंट आई है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की पीड़ा इस जजमेंट को पास करते समय जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दी हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उससे बहुत अच्छी तरह से पता चलती है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का अपना स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आरोप पर्याप्त विशिष्ट नहीं थे ताकि मुकदमा चलाया जा सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न मामले में रिश्तेदारों के खिलाफ आरोपों को रद्द किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट क्वेशिस चार्जेस अगेंस्ट रिलेटिव्स इन डाउरी हरेसमेंट एक्ट। आगे चलने से पहले सबसे पहले हम केस का टाइटल पढ़ लेते हैं। मोहम्मद अशरफ एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर। ये केस भी बाकी सभी केसेस की तरह से मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट यानी कि शादी के बाद जो तनाव उत्पन्न होता है, खटास उत्पन्न होती है पति और पत्नी के बीच में और परिवार के बीच में, उसी को लेकर के यहां पर भी रस्साकशी हुई है। एक मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था। लड़की ये आरोप लगाती है कि उसके परिवार पक्ष यानी कि उसके पति पक्ष और उस पति के अन्य रिश्तेदारों ने मिलकर के उससे दहेज की मांग की है और फिर जब वो दहेज की मांग पूरी नहीं हो पाई है तो वो क्रूरता दिखा रही है। 5 लाख रुपया और बलेरो कार के डिमांड की वो बात कर रही है। इस कंप्लेंट पर एक एफआईआर लॉज होती है अंडर सेक्शन 498A, 323, 504, 506 और 3 और 4 और सेक्शन 3 और 4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत। इस एफआईआर के लॉज होने से पहले पति ने 19 अक्टूबर 2022 को एक डिवोर्स की पटीशन फाइल ऑलरेडी की हुई थी। यहां पर जब ये केस इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास पहुंचता है अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी इस झूठी एफआईआर को क्वैश कराने के लिए, तो यहां पर मुख्य कानूनी मुद्दे रहे। पहला, क्रूरता और दहेज की मांग के आरोप को लेकर कर। दूसरा, 498A आईपीसी के दुरुपयोग को लेकर के कि ये प्रतिशोधात्मक है या नहीं, पति और परिवार को परेशान करने की भावना से किया गया है या नहीं। तीसरा, आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना कि आरोप इसके अंदर सामान्य थे या विशिष्ट थे या कोई विवरणों की कमी है या क्या था। अब चलते हैं सीधा जंप करके हाईकोर्ट की तरफ कि हाईकोर्ट क्या कहता है। सबसे पहले तो जो आरोप लगाए गए थे यहां पर कोई भी विशिष्ट नहीं था, यानी कि विवरणों की कमी यहां पर पाई गई थी। जितने भी इन्होंने आरोप लगाए थे वो सामान्य और समग्र आरोप थे। यहां पर कहकशा कौशल के जजमेंट का विस्तार से वर्णन किया गया। दूसरा, जो हाईकोर्ट ने देखा कि हां, पति के खिलाफ जरूर विशिष्ट आरोप लगाए गए थे
लेकिन पति को छोड़कर के परिवार के अन्य किसी भी रिश्तेदार के विरुद्ध कोई भी विशिष्ट आरोप यहां पर नहीं लगाया गया था। अलाहाबाद हाई कोर्ट ने 498A के दुरुपयोग की फिर दोबारा से बातचीत की। कुछ तत्व यहां पर जरूर पाए गए थे, लेकिन क्योंकि यहां पर वो सारे तत्व मौजूद थे जो कि 498A के तहत होने चाहिए, तो इसीलिए 498A से पति को तो मुक्ति नहीं मिल पाई थी और उसके विरुद्ध कार्यवाही को रद्द नहीं किया गया था। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह पाया कि क्योंकि सामान्य आरोप सारे लगे हुए थे, विशिष्ट कोई आरोप नहीं था, कोई विवरण नहीं था, सिर्फ प्रतिशोध की भावना नजर आ रही थी, परिवार और पति को परेशान करने की जो भावना है वो नजर आ रही थी, इसलिए सभी रिश्तेदारों के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने का आदेश दे दिया। इस आदेश को पारित करते समय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन की। नंबर वन कि कोई भी अगर शादी चलती है तो शादी चलने की जो फाउंडेशन है वो है टॉलरेंस, एडजस्टमेंट और रिस्पेक्ट। अगर टॉलरेंस नहीं है किसी जोड़े में, आपस में एडजस्टमेंट नहीं है या एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट की भावना नहीं है तो वो शादी नहीं चलेगी। दूसरा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा पेटी इश्यूज भी इग्नोर्ड, यानी कि जो छोटे मोटे झगड़े घरों में होते हैं उन छोटे मोटे झगड़ों को अवॉइड करना चाहिए, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। और यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मेन सफरर हर बार की तरह सिर्फ बच्चे ही होते हैं और बच्चों के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन पति और पत्नी आपस में जब उनकी कलह चल रही होती है, जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स चल रहे होते हैं, जब लिटिगेशन पेंडिंग होती है, तो वो आपस में एक दूसरे का ही ध्यान रखते हैं कि कैसे दूसरे पक्ष को ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो देखा आप सभी ने, बहुत सारी जजमेंट्स पहले भी आ चुकी हैं और एक प्यारी सी जजमेंट इलाहाबाद हाईकोर्ट की 1 जुलाई 2024 को फिर दोबारा से आ गई है कि अगर एफआईआर के अंदर स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनरल एलिगेशंस हैं, और अगर आपके एफआईआर में भी इन सभी इंग्रेडिएंट्स की कमी है, तो आप भी अपने अपने संबंधित हाईकोर्ट में जाकर के इस एफआईआर को क्वैश करा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।